माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्लास 11 का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो पार्ट है उसका आखिरी लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम पूरा चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे कंसेप्चुअल पार्ट देखने वाले हैं। और तो लास्ट लेक्चर भी बहुत अच्छा ही था, बट ये लेक्चर और भी कंसेप्चुअल होने वाला है, तो ध्यान से इसको समझिएगा आप। और आईटी का फेवरेट टॉपिक आप मान सकते हो ये। बेसिकली टॉपिक्स जो बाकी है, लोकेशन ऑफ रूट, और एक टॉपिक आता है जो सिलेबस में तो नहीं है, पहले ही आप पढ़ चुके ऑलरेडी, बट इतना डीप में आप नहीं पढ़े हो, इसीलिए मैं सोचा पढ़ा दूंगा, बट मैं इसको स्किप कर रहा हूं अभी के लिए। दैट इज आपका वो चार थ्योरम वाला जो टॉपिक है ना, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम एंड इंट्रीगल रूट थ्योरम। अगर ओलंपियड का तैयारी आप किए हो पहले तब तो कर लिए होंगे। मैं अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के साथ इसको कवर नहीं कर रहा हूं। 12 अक्टूबर से ओलंपियड का कोर्स चालू होगा, तो उसमें पॉलीनोमियल्स में ये टॉपिक कवर होगा, तो उसका वीडियो लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आखिरी टॉपिक, आईटीजी के कोई सिलेबस में है भी नहीं ये सारी चीज मेंशन, और आते भी नहीं है सवाल, बस बेसिक्स जितना थ्योरम का स्टेटमेंट यूज होता है उतना सभी को पता होता है, बट फिर भी ऑफिशियली पूरा टॉपिक उसके अंदर में जो भी क्वेश्चन आते हैं सारी, तो चीज डिटेल में जब मैं ओलंपियड वाले सेक्शन में कराऊंगा तो वो लिंक आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, तो उससे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी अपन चलते प्योर आईटीजी एडवांस बेस्ड टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से भर भर के सवाल आएंगे, मेंस में भी पूछे गए हैं बहुत सवाल, लास्ट ईयर को भी आए हैं सवाल, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यहां से तो सवाल आना तय है, और बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटिफुल, एकदम प्योर कंसेप्चुअल दिमाग वाले टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सही है क्या, सॉरी लोकेशन ऑफ रूट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आखिरी पार्ट लोकेशन ऑफ रूट है ना। तो बेसिकली हमें रूट्स का लोकेशन बता देगा, है ना, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में क्या करेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, है ना, और बोल देगा कि इसका रूट्स यहाँ पे है ना, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी एक कोएफिशिएंट को अननोन दे देगा, ठीक है ना। तो वो पूछेगा आपको कि इस अननोन का क्या वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स उस जगह पे लाई करेगा। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड योर लोकेशन ऑफ रूट, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी अपने को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे 8-10 केस आता है, अलग अलग प्रकार के केस, किस किस लोकेशन में रूट्स को डाल सकते हैं, ऐसे टोटल मान लो 8-10 केस आएगा, तो उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट को ध्यान से डीप में घुस घुस के एक्सप्लेन करूंगा, आप जरा मैं पूरा पहले ही फ्रेमवर्क बना करके रख दिया, ठीक है, ताकि मेरे को समझाने में आसान हो जाए, समझाने के साथ साथ लिखना ना पड़े और आपका भी टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो जो भी जिस वक्त आप एक पॉइंट समझो, एक पॉइंट पॉज करके लिखो, उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज है खुद से अपना लैंग्वेज से लिख करके रख देना, ताकि आपको याद रहे, आप भूल ना जाओ, क्लियर। तो बहुत मिसकंसेप्शन होता है, मतलब बहुत बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है ये टॉपिक, ठीक है, और ज्यादातर जगह पे गलत लिखा हुआ है कुछ कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो स्पेशल पॉइंट्स है ज्यादातर जगह पे गलत लिखा हुआ है, टीचर्स भी गलत पढ़ा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपरली एक एक चीज अगर आपके लॉजिक के साथ, थॉट के साथ मैच ना हो, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करना है मेरे खिलाफ, ठीक है, कि सर ऐसा ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, मेरे को प्रॉपर वैलिड रीजन दो, बिना रीजन का नहीं पढ़ना है कुछ भी, ठीक है, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाते, ऐसा होता है बोल के कुछ एज्यूम नहीं करना है, क्यों होता है सर, रीजन चाहिए, अगर रीजन नहीं चाहिए तो मत पढ़ाओ। पहला कंडीशन क्या आता है, देखो मान लो हम पूरे टॉपिक को समझाने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, ax square plus bx plus c बराबर 0, और उसका रूट्स को मैं अल्फा और बीटा मान करके चल रहा हूं, है ना, पूरा टॉपिक के फ्रेमवर्क बनाने के लिए मैं ये एज्यूम किया, ठीक है। चलो अभी मेरे को बोल दिया कि किस कंडीशन के ऊपर बेस करके आप ये बोल सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक का जो दोनों रूट होगा अल्फा बीटा, वो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होगा, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। पहले तो सवाल समझ लो कि है क्या, फिर उसमें थॉट डालोगे, समझ में आ रहा है ना, कि किस कंडीशन के आधारित अपन ये बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों के दोनों रूट्स हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बोला, ना नेगेटिव ना नॉन नेगेटिव, दोनों अलग अलग चीज है, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव बोला। तो अभी कमेंट किसके ऊपर करना है, एक क्वाड्रेटिक के बारे में हम किसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उसके सम ऑफ द रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ये देखो मैंने लिख के दिया, कमेंट ऑन सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, फिर हम वो टर्निंग वाला जो वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में आता है हमारा फंक्शनल वैल्यू, वो कैसे कमेंट करेंगे अपन सीखेंगे।
सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ को अपने दिमाग में प्लॉट करो कि अगर सर ने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है, ऑब्वियसली रियल तो होगा ही, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर तो रियल ही होता है ना। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों रूट जीरो का राइट साइड में होगा। तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस टाइप का होगा, वो पहले थॉट अपने दिमाग में कंसीडर करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ग्राफ इस तरीके से होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ग्राफ जो है यहां पे दो जगह पे कट कर रहा है, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, और अल्फा और बीटा दोनों जीरो के राइट साइड में है। तो क्लियरली इस ग्राफ से पता चल रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। अभी ये भी तो हो सकता है सर कि यहां पे दोनों रूट जो है वो सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, रूट्स इक्वल हो जाए, पॉजिटिव तो है बट दोनों के दोनों जो है वो आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केस को भी अगर आप कंसीडर करते हो तो रूट्स यहां पे क्या करके चला जाएगा, सॉरी एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा, बिकॉज रूट्स इक्वल आप बोल रहे हो, दोनों के दोनों रूट माइनस बी बाई टू ए के इक्वल बोल रहे हो आप, समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, क्या और कोई केस हो सकता है? और एक ही केस बचता है, वो केस कौन सा? ये वाला केस, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता बिकॉज बोथ द रूट्स पॉजिटिव बोला है, यहां पे तो सारे रूट्स इमेजिनरी मिलेगा, पॉजिटिव का कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता। तो यही दो पॉसिबल केस होगा, है ना, जिसके लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का और इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा वो पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों रूट, एक रूट नहीं, दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव होगा। ये तो मैंने वो केस बना दी जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? जस्ट ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, एक्स एक्सिस के बाद रोटेट हो जाएगा, और क्या है, और कुछ नहीं होगा, सिंपल सा चीज है। इधर भी क्या ये वाला केस पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता बिकॉज इस केस में कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कभी हो नहीं सकता, आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये केस है, हमें समझ आ गया। अगर ये केस है इस कंडीशन के अंडर पे, अगर केसेस ये हो सकते हैं तो इन केस से अपन कंडीशन इंटरप्रेट करते हैं ना, समझ आ रहा है? क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, तो अगर अल्फा बीटा दोनों के दोनों जीरो से बड़ा है, क्या है, अल्फा बीटा अगर दोनों के दोनों रूट जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो लल्ला उन दोनों का समेशन जो है वो भी तो पॉजिटिव होगा ना किसी तरीके से। तो सम ऑफ द रूट्स में अगर सबसे पहले मैं कमेंट करूं तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, होगा ना भाई, वो भी तो पॉजिटिव होगा, समझ आ रहा है ना। चलो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना, दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। इस केस में डी ग्रेटर देन जीरो होता है, इस केस में डी इक्वल टू जीरो होता है, दोनों का समीशन अगर मैं ले लेता हूं तो हमारे पास आ जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है, तो डी ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल टू भी हो सकता है, क्लियर। चलो फोर्थ हमें किसके ऊपर कमेंट करना है, माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए के ऊपर अगर मैं कमेंट करता हूं, यहां पर मिस हो गया ये चीज, माइनस बी बाई टू ए के ऊपर अगर कमेंट करता हूं तो आप सबसे पहले ध्यान दो कि माइनस बी बाई टू ये चीज है कौन, ये चीज कौन है, आपको ये पांच चीजें के ऊपर ही कमेंट करना है, अभी याद रखना और कोई चीज है ही नहीं कमेंट करने के लिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मेरे को बोल दो, ये पांच चीजों के ऊपर कमेंट करोगे सारे कंडीशन आ जाएगा, सफिशियंट है, सफिशियंट कंडीशन ही है। अभी अगर माइनस बी बाई टू ए कौन है आपको अगर मैं बोलता हूं तो आप क्या बोलोगे, सर माइनस बी बाई टू ए जो है ना वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या फिर मैक्सिमा जो आपने दिखाए थे ना सर, दैट इज जहां पे ग्राफ टर्न करता है, या तो मिनिमा अटेन करता है या तो मैक्सिमा अटेन करता है, कंकेव डाउनवर्ड या अपवर्ड होता है, उस पॉइंट का एक्सिस था, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट था, कौन, माइनस बी बाई टू ए। तो पहले देखो वो पॉइंट कहां है, इन चारों ग्राफ में पॉइंट आपको यहां पे यहां पे यहां पे दिख रहा है, इधर मैक्सिमा इधर मिनिमा, तो अगर मेरा पॉइंट चारों पॉइंट ये है तो इन चारों पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मैंने सही सही तो लोकेट किया, एक तो खुद यही हो जाएगा इन दोनों केस में, और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो यही होगा ना, और ये चीज जो है वो जीरो के राइट साइड में है, तो ये चीज भी तो क्या होगा, ये चीज भी तो पॉजिटिव होगा ना, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, ये चीज भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात, पक्का समझ आ रहा है। चल और फिफ्थ एक और कंडीशन मैं ले रहा हूं, वो क्या है, मेरा फंक्शनल वैल्यू।
फंक्शनल वैल्यू का कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज सारे केस में फंक्शनल वैल्यू के कंडीशन आएगा। यही पांच जगह पे आपको बातचीत करना है। तो फंक्शनल वैल्यू पे कंडीशन क्या आएगा, देखो जरा यहां से देखो फंक्शनल वैल्यू पे क्या। मैं बोल सकता हूं क्या कि जीरो जो है, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू जो है, देखो ग्राफ से ही तो निकालोगे ना, जीरो पे जो वाई एक्स, जीरो से ग्राफ पे जाओगे, ग्राफ से वाई एक्सिस पे जाओगे, वाई का जो वैल्यू है, दैट इज फंक्शन का जो वैल्यू है, वाई का वैल्यू मतलब क्या, फंक्शन का वैल्यू, उसी को फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। तो जीरो पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इधर भी जीरो पे फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव, इधर जीरो पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव, इधर जीरो पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव। बट इधर जीरो पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव के साथ साथ इन दोनों केस पे लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव, और इधर जीरो पे फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव। मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि सर फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ एक्स का वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। जीरो पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आएगा, इस केस में नेगेटिव आएगा, इस केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो a ग्रेटर देन जीरो अगर है तो एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, और a अगर लेस देन जीरो है तो एफ जीरो लेस देन जीरो मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन को मैं अलग अलग लेके चलूंगा क्या, नहीं, इन दोनों कंडीशन से मैं एक कंडीशन निकाल सकता हूं, वो क्या कि सर a का जो साइन है एफ जीरो का भी वही साइन है। क्या आपको नजर आ रहा है कि a एंड एफ जीरो बोथ आर ऑफ सेम साइन, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। अगर दोनों के दोनों सेम साइन का है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव। दैट इज a इंटू एफ जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इज माई लास्ट कंडीशन, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू पे भी कमेंट कर दिया, तो ये पांचों चीजों पर मैंने कमेंट कर दिया। तो ये तो आ गया सारे के सारे पॉसिबल केसेस, ये आ गया सारे के सारे पॉसिबल केसेस। अभी इन सारे पॉसिबल केसेस क्या, मैं बार बार अभी सोचो ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोचो कि अगर प्रॉब्लम में आया तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम द रूट्स, बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आर पॉजिटिव, तो आप क्या उस केस में ये पांचों कंडीशन अप्लाई करोगे, फिर पांचों कंडीशन का इंटरसेक्शन लोगे, फिर m का वैल्यू निकालोगे, तो ये कितना गंदा चीज हो जाएगा ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए दिस आर द पॉसिबल कंडीशंस। अभी इन पॉसिबल कंडीशन से हमें सफिशियंट कंडीशन ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि व्हाट आर द सफिशियंट कंडीशन, जो बोलने से मतलब सफिशियंट कंडीशन अगर मैं लिख देता हूं तो ये कंडीशंस भी इंप्लाई हो जाता है, क्लियर है क्या। तो हम अभी सफिशियंट कंडीशन के बारे में सर्च करेंगे। ये जहां पे भी मैं कंडीशंस कंडीशन लिख रखा ना गोला लगा करके, आप समझ जाना कि ये सारे के सारे सफिशियंट कंडीशंस लिखा मैंने, ठीक है। ये सफिशियंट कंडीशन मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मैं डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीज। ऊपर ऊपर मैं आपको अभी बोल सकता हूं देखो तो ये तीनों लिख दिया तो हो गया जैसे पूरा दुनिया पता, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये पांच कंडीशन से मैंने तीन कंडीशन ही क्यों यूज करेंगे क्वेश्चन करने के टाइम, क्यों अपन पांचों को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पांचों को यूज करना मतलब टाइम वेस्ट करना, ये पांचों के पांचों इन तीनों को ही इंप्लाई कर रहा है अल्टीमेटली। क्यों, देखो सर, सम ऑफ द रूट्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इनडायरेक्टली क्या पता चल रहा है, माइनस बी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। तो माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो और माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, उन दोनों में कोई फर्क है? अरे भाई इधर अगर हाफ से चिपका देंगे दोनों तरफ तो भी तो सेकंड वाला कंडीशन आ जाएगा, तो ये दोनों कंडीशन लिख के कोई फायदा है क्या? एक कंडीशन लिखो ना, या तो ऊपर वाला लिखो या तो नीचे वाला लिखो, काम खत्म। तो अपन नीचे वाला लिख रहे, तो इन दोनों से एक कंडीशन आ गया, समझ गए। चलो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये एक और कंडीशन आ गया। अभी ये कंडीशन और ये कंडीशन को मर्ज करके मैंने ये कंडीशन लिखा, क्यों जानता है, जरा ध्यान से, अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, एंड व्हाट इज एफ जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो डाल यहां पे क्या आएगा, सी आएगा, तो ए इंटू सी ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ जीरो का मतलब ए इंटू सी ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू सी ग्रेटर देन जीरो मतलब ए और सी सेम साइन का है, और सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो मतलब भी ए और सी सेम साइन का है। तो अगर a और c सेम साइन का है तो दोनों कंडीशन को लिख के कोई फायदा है क्या, ये दोनों कंडीशन तो एक ही चीज को इंप्लाई कर रहा है, तो दोनों को मर्ज करके एक ही कंडीशन लिखो ना, a इंटू एफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। इसीलिए आपको जितने भी बुक्स है सारे बुक्स में ये तीन कंडीशन दिख जाएगी,
बच्चे कंफ्यूज हो जाए बुक पढ़ के, ये कभी भी आप समझ नहीं पाओगे, कोशिश कर देख लेना भाई, वीडियो बंद कर बुक पढ़ ले, पढ़ने के बाद देख, फिर वीडियो देख क्या फील आता है, डिसाइड कर ले खुद से, समझ में आ रहा है। बुक में ये तीन कंडीशन क्यों रहता है, किसी जगह पे देखोगे एक कंडीशन है, तो होना चाहिए पांच कंडीशन, बट वो जो बुक में जो कंडीशन लिख के दे रहा है दैट इज द सफिशियंट कंडीशन, समझ में आ रहा है ना, वो क्या है, वो सफिशियंट कंडीशन है, समझ में आ रहा है। ये अभी देखो ना, अगर मैं ये तीनों कंडीशन यूज करता हूं तो मेरे को ये पांच कंडीशन तो अलग अलग यूज करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये तीन कंडीशन ही इस पांचों को इंप्लाई कर रहा है। अगर माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस बी बाई ए भी तो ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज सम ऑफ द रूट पॉजिटिव, तो यही तो इसको इंप्लाई कर रहा है, इसीलिए इसको अपन सफिशियंट कंडीशन बोलते हैं। क्लियर, समझ आ रहा है? तो आप समझ गए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ द रूट किस कंडीशन के ऊपर बेस करके पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल आपने ये चीज समझ गए, समझ आ रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूं पूरा पूरा कि आप ये पूरा टॉपिक जो है समझ गए कि किस कंडीशन के ऊपर बेस करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ द रूट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है मेरे को? क्लियर। अगला चीज क्या है, मैं इस पॉजिटिव वर्ड को चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं और नॉन नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव के जगह पे नॉन नेगेटिव, मतलब अभी क्या एक्स्ट्रा केस इंक्लूड हो गया कि सर रूट्स जो है ना वो जीरो भी हो सकता है। अभी दोनों रूट जीरो हो जाएगा क्या, बोलो, दोनों रूट जीरो कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, सर मैं हो सकता है एक केस में हो सकता है पॉसिबल, जैसे ये वाला केस हो गया, मान लो ये जीरो है और ये एक ही केस में होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों की दोनों रूट जीरो, ठीक है। पहले हम मान लेते ये वाला केस, मान लो नॉन नेगेटिव तो हो सकता है ना, मान लो एक रूट जीरो खुद है और एक रूट जीरो से बड़ा है, तो दोनों रूट नॉन नेगेटिव हो गया ना, बोथ द रूट्स आर नॉन नेगेटिव वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इस केस में भी नॉन नेगेटिव वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर, चलो तो होगा क्या, अगर ये केस में ले लेता हूं या फिर ये केस ले लेता हूं, दोनों केस में डिस्क्रिमिनेंट में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा, ग्रेटर देन भी हो सकता है इक्वल टू भी हो सकता है। क्लियर, चलो नॉन नेगेटिव अगर बोलता है तो ये वाला केस भी पॉसिबल है, ये वाला केस भी पॉसिबल है, मान लो दोनों के दोनों रूट ही पॉजिटिव हो गए, है ना, नॉन नेगेटिव के लिए ये चारों केस तो पॉसिबल होगा ही होगा, उसके साथ साथ और कुछ भी होगा, जैसे जीरो से पास हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि एक रूट डायरेक्टली अगर जीरो हो गया तो नॉन नेगेटिव, जीरो तो हो सकता है ना रूट बट नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसे अगर हो गया तो जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक रूट जो कि नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही है आपका रूट, समझ में आ रहा है, तो फील करो इस चीज को, फील नहीं करोगे जब तक तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। राइट साइड में जीरो के राइट साइड में कट नहीं हो सकता, या तो जीरो के थ्रू कट होगा या तो जीरो के राइट साइड में कट करके जाएगा ग्राफ, समझ में आ रहा है, क्लियर है, बिकॉज नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव बोला, अगर नेगेटिव बोलता तो दूसरा केस होता, तो ये वाला केस होता जो आगे अपन देखेंगे, अगर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो गया तो ये केस पॉसिबल हो सकता है, तो डी पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, समझ आ रहा है क्या। चलो अभी देखो आपके पास आ गया माइनस बी बाई टू ए, क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया माइनस बी बाई टू ए। अगर मैं माइनस बी बाई टू ए का बात करूं तो माइनस बी बाई टू ए क्या हो सकता है, अगर मैं ये केस कंसीडर करता हूं तो यहां पे भी दोनों रूट जीरो है, मतलब नॉन नेगेटिव वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो माइनस बी बाई टू ए तो इस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है, और माइनस बी बाई टू ए रिमेनिंग सारे केसेस में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बाकी सारे केसेस में पॉजिटिव होगा और इस केस में जीरो हो सकता है, मतलब ये भी पहले सिर्फ पॉजिटिव था बट अभी यहां पे एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ए इंटू एफ जीरो, ए इंटू एफ जीरो क्या हो जाएगा, देखो अगर वो जीरो से पास हो रहा है, अगर वो जीरो से पास हो रहा है तो एफ एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, मतलब पहले ए इंटू एफ जीरो सिर्फ पॉजिटिव था, अभी ए इंटू एफ जीरो पॉजिटिव होने के साथ साथ यहाँ पे एक इक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंडीशन अगर मैं लगा देता हूं तो सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि ए इंटू एफ जीरो और माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन होने के साथ साथ दोनों जीरो भी हो सकता है, इक्वालिटी वाला कंडीशन भी आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना, बस इक्वालिटी वाला कंडीशन आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिख देता हूं। तो ये सब चीज समझना, ये सब किताबों में नहीं मिलेगा, ये सब खुद से बना करके बोल रहे हैं आपको ताकि क्वेश्चन आपको फंसा ना सके, उससे पहले आप उसको खत्म कर दो, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एग्जामिनर देखेगा अच्छा बुक में तो पॉजिटिव लिखा हुआ है तो शायद बच्चे ने नॉन नेगेटिव में सोचा है कि हम ये टेस्ट कर लेते, तो वही चीज पहले आपको बता के दे रहे ताकि आप ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आपको हरा ना सके किसी भी हालत में, ठीक है। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन,
सॉरी ये ऑपोजिट वाला केस तो बाद में आएगा, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, पॉजिटिव क्या था अभी नेगेटिव कर लेते, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव कर लेते, अगर बोथ द रूट्स नेगेटिव हो जाता है तो जीरो इस तरफ जाएगा, जीरो का लेफ्ट साइड में आ जाएगा, है ना, सारे के सारे जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन मैंने मिस कर लिया, माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो और ए इंटू एफ जीरो पॉजिटिव, तो सेम कंडीशन आ जाएगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, ए इंटू एफ जीरो पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा आप सोचो आराम से सारे चीज देखो ना, ए ग्रेटर देन जीरो वाला ये केस है और ए लेस देन जीरो वाला ये केस है, यहाँ पे एफ जीरो पॉजिटिव, यहाँ पे भी एफ जीरो पॉजिटिव, देख रहे हो ना एफ जीरो पॉजिटिव एफ जीरो पॉजिटिव, ठीक है यहाँ पे एफ जीरो नेगेटिव यहाँ पे एफ जीरो नेगेटिव, तो a लेस देन जीरो के केस में f जीरो नेगेटिव और a ग्रेटर देन जीरो के केस में f जीरो पॉजिटिव, मतलब a इंटू f जीरो पॉजिटिव रहेगा, बस माइनस b बाई टू ए जो है अभी वो जीरो के लेफ्ट साइड में आ गया, बिकॉज वर्टेक्स पॉइंट जो है ये वर्टेक्स पॉइंट जीरो के लेफ्ट साइड में गिर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन बस चेंज हो, बाकी सारे कंडीशन में सम ऑफ द रूट पहले पॉजिटिव था, अभी ऑब्वियसली अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो दोनों का समीशन भी नेगेटिव होगा, ठीक है ये नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है तो कुछ कुछ चेंजेस आ रहा है बस इसमें और इसमें आप देख सकते हो, बाकी सारे रिमेन सेम है, तो इन तीनों का अगर मैं सफिशियंट कंडीशन लिखूं तो क्या लिखूंगा माइनस बी बाई टू ए और इसको लेकर के एक ही कंडीशन लिखूंगा, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द रूट और इसको लेकर के एक ही कंडीशन लिखूंगा और डी का कंडीशन तो आएगा है, और अगर बोथ द रूट्स नॉन नेगेटिव नेगेटिव के जगह पे नॉन पॉजिटिव हो गया दैट इज जीरो भी अगर इंक्लूड हो जाएगा तो यहां पे बस एक्स्ट्रा एक दो इक्वालिटी आ जाएगा और डी पे तो इक्वालिटी रह गई, ठीक है क्योंकि कौन सा केस पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला केस भी तो पॉसिबल हो जाएगा ना, अगर नॉन पॉजिटिव बोलता हूं तो दोनों रूट जीरो भी हो सकता है ना, एक रूट नेगेटिव और एक रूट जीरो भी हो सकता है, तो ये दोनों केस में ही इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा, एफ जीरो जीरो हो सकता है और माइनस बी बाई टू भी जीरो हो सकता है, ठीक है तो इक्वालिटी आ जाएगा, बस नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव के केस में दोनों जगह पे इक्वालिटी आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है समझ आ रहा है आपको, चलो नेक्स्ट कंडीशन पे अपन चलते हैं, अभी क्या बोला गया है हमें, अभी बोला गया है रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन का मतलब क्या है कि सर एक अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, ऑपोजिट इन साइन बोला है मतलब क्लियरली मेंशन है कि यहां पे कोई भी रूट जीरो नहीं हो सकता, कोई भी रूट जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, बिकॉज बोथ द रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, ठीक है ना, एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो का ऑपोजिट साइन क्या है, कुछ है क्या, एक रूट को जीरो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते यहाँ पे, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ये दोनों नोड वाला कंडीशन आएगा ही, बिकॉज बोथ द रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तो मैंने अल्फा को नेगेटिव मान लिया बीटा को पॉजिटिव मान लिया, ये कौन सा केस हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस, ए लेस देन जीरो के केस में ग्राफ ऐसा हो जाएगा, अभी देखो क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, क्या सम ऑफ द रूट्स पे कोई कमेंट कर पाओगे आप इस केस में, नहीं कर पाओगे, मान लो कि ग्राफ जो है वो आपका जीरो यहां पे है, ग्राफ ऐसे हो गया तो नेगेटिव वाला रूट कितना ज्यादा नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला रूट कितना छोटा है, तो तब सम करेंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना, और अगर मैं ग्राफ ऐसे ले लेता हूं तो तब नेगेटिव वाला छोटा है मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव वाला ज्यादा बड़ा है, तो तब सम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो हमें तो नहीं पता ना कि किस तरफ कितना ज्यादा जा रहा है, ठीक है तो हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ द रूट में कोई कमेंट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कोई कमेंट कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है चलो, डिस्क्रिमिनेंट पे कोई कमेंट कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इस टाइम को डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ आपका जीरो से बड़ा होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन यहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट्स इक्वल तो हो ही नहीं सकता है ना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन कैसे आएगा, बोथ द रूट्स इक्वल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो कैसे दोनों रूट्स इक्वल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, ये चीज समझ में आ रहा है क्या मेरे बात, क्लियर है बस, माइनस बी बाई टू पे अगर मैं कमेंट करूं तो माइनस बी बाई टू ए, अभी अगर मैं इस ग्राफ में देखू तो माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव है, इस ग्राफ में देखू तो माइनस बी बाई टू ए जीरो से, ये जीरो है, जीरो से बड़ा है देखो एक वैल्यू और एक वैल्यू जीरो से पीछे है, तो इसमें भी कोई कमेंट आप नहीं कर पाओगे, है ना, और फंक्शनल वैल्यू जीरो पे फंक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इस केस में ए पॉजिटिव है और जीरो पे इस केस में फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देखो फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में नेगेटिव आ रहा है, तो अभी उल्टा चल रहा है, पहले दोनों में सेम सेम चल रहा था, अभी उल्टा चल रहा है, अभी ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ए नेगेटिव है तो ये फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर उल्टा केस हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ए इंटू एफ जीरो शुड बी नेगेटिव,
तो आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और फंक्शनल वैल्यू ए इंटू एफ जीरो का सेम कंडीशन आता है, तो इन दोनों के दोनों नेगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों को मार्च करके मैं एक लिखने से काम चलेगा, ठीक है। और सम ऑफ द रूट और माइनस बी बाई क्यू ए पे तो कोई कमेंट हुआ ही नहीं, तो ये दोनों तो खत्म, बचता है सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो, बट सफिशियंट कंडीशन में डी ग्रेटर देन जीरो लिखने का भी कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना, यही बच्चे समझ नहीं पाते, ना बुक्स में लिखता है ना टीचर बताता है, समझ में आ रहा है, यही बच्चे समझ नहीं पाते। लोकेशन का वीडियो खोल करके देख लीजिए यूट्यूब में, कोई भी टीचर का, समझ में आ रहा है, बताएगा क्या आपको, ये सारी चीज नहीं बताएगा। डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये डी ग्रेटर देन जीरो वाला केस इस केस में क्यों नहीं आया, वो है मेरा सवाल। सिंपल सा लॉजिक सोचो ना भाई, अगर ए इंटू एफ जीरो नेगेटिव है, मतलब क्या ए इंटू सी का वैल्यू नेगेटिव है, तो डी होता क्या है, बी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अरे भाई एसी अगर नेगेटिव है तो ये चीज तो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई, तो ये और लिखने का जरूरत है क्या, ये कंडीशन तो अपना आप डी ग्रेटर देन जीरो को इम्प्लाई कर रहा है, नहीं आ रहा है क्या, ये कंडीशन अपने आप में डी ग्रेटर देन जीरो को इम्प्लाई कर रहा है ना। अगर ये कंडीशन आप लिख देते हो तो इसको लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये इसको इम्प्लाई कर रहा है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात, ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, क्लियर है क्या। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, बच्चे मेरे को क्लास में ये भी पूछते हैं सर अगर ये इसको इम्प्लाई कर रहा है तो दोनों में से कोई भी एक लिखने से होगा ना, तो डी ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं लिखे, ये क्यों लिखे, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो ये इंडिकेट नहीं करता है कि a इंटू एफ जीरो लेस देन जीरो, बिकॉज d ग्रेटर देन जीरो होने से माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। अभी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि a इंटू सी का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, a इंटू सी का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है और बी स्क्वायर बहुत बड़ा हो रहा है ताकि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। इसीलिए a इंटू सी लेस देन जीरो को इंप्लाई नहीं कर पाएगा d ग्रेटर देन जीरो, बट a इंटू सी लेस देन जीरो d ग्रेटर देन जीरो को इंप्लाई कर पाएगा, That's why this is the sufficient condition. Clear? समझ आ रहा है, तो ये सारी चीज को डीप में घुस घुस के आपको एकदम समझना पड़ेगा, क्लियर है। बट अगर आप बोलोगे कि सर यहां पे डी का कंडीशन आपने क्यों लिखे, यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ए इंटू सी पॉजिटिव है, बोल रहे हो ना, ए इंटू सी अगर पॉजिटिव है तो क्या गारंटी है कि डी पॉजिटिव होगा या डी नेगेटिव होगा। अगर ए इंटू सी बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया, ताकि फोर ए सी बी स्क्वायर से बहुत बड़ा हो गया, तब तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ए इंटू सी पॉजिटिव डी ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो इंप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बट ए इंटू सी अगर नेगेटिव है तो डी ग्रेटर देन जीरो है, ये कंफर्म है, समझ में आ रहा है ना। ए इंटू सी नेगेटिव इंप्लाइज डी ग्रेटर देन जीरो, बट ए इंटू सी ग्रेटर देन जीरो डज नॉट इंप्लाई डी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, क्लियर है क्या, इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्त, क्लियर है। डीप में जाके समझो तब सवाल में कोई आपको रोक नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना, ऊपर ऊपर समझोगे तो पूरा दुनिया की तरह फंसते रहोगे, समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। चलो अगला कंडीशन पे चलते, अगला कंडीशन फोर्थ और फिफ्थ, ये था दोनों पॉजिटिव, ये था दोनों नेगेटिव, ये था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अभी आ गया फोर्थ और फिफ्थ जहां पे दोनों सिमिलर कंडीशन है। क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों रूट के से बड़ा है, के कोई भी एक नंबर है पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे कुछ ही नहीं पता, बट दोनों के दोनों रूट्स के से बड़ा है, और उधर बोल रहा है दोनों के दोनों रूट्स के से छोटा है, तो क्या होगा, देखो ग्राफ क्या ऐसे होगा क्या, ये देखो दोनों के दोनों रूट्स के से बड़ा है, यहां पे दोनों के दोनों रूट्स के से बड़ा है, देख रहा है, और इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल सही, और ए लेस देन, ये तो ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस हो गया, ए लेस देन जीरो वाले केस में क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों रूट्स के से बड़ा है के से छोटा है, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो सम ऑफ द रूट में अगर मैं कमेंट करूं, कोई कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज के पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे नहीं पता ना, अगर के पॉजिटिव होता तो सम ऑफ द रूट पॉजिटिव होता, बिकॉज ये दोनों रूट किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा होता तो ऑब्वियसली दोनों का समेशन भी पॉजिटिव आता, ठीक है ना, बट के का साइन मुझे नहीं पता तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर के मान लो माइनस टू हो गया, ये हो गया मान लो माइनस वन, ये हो गया मान लो पॉइंट फाइव, तो दोनों का समेशन नेगेटिव भी आ सकता है, और अगर मान लो ये प्लस वन हो गया, ये पॉइंट फाइव हो गया, ये 1.5 हो गया, तो दोनों का समेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, मैं सम ऑफ द रूट पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज के का साइन नहीं पता के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पता भी चल जाता है तो भी कमेंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज के अगर मान लो माइनस टू हो गया तो माइनस टू से बड़ा दोनों रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों रूट नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी तो हो सकता है, माइनस टू से बड़ा अगर ऐसे हो गया कि एक पॉइंट माइनस पॉइंट फाइव और एक 1.5, तब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, बट अगर दोनों 1.5 और 1.5 हो गया तब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये सब झंझट कौन देखेगा, इसीलिए आप सम और प्रोडक्ट में इस केस में कोई कमेंट नहीं कर पाओगे,
माइनस बी बाई टू ए पे जरूर कर पाओगे, बिकॉज माइनस बी बाई टू ए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स जो है वो के से बड़ा है, हम बोल सकते हैं। इस जगह पे जो आपका के था वही के का वैल्यू क्या था, जीरो था, ठीक है। तो इसीलिए आप ग्रेटर देन जीरो बोल रहे थे, बट आपकी बार आप क्या बोलोगे, ग्रेटर देन के बोलोगे, है ना। यही पे आप कंसिडर, इसी का सब केस है ये, इसी केस के अंडर में ये गिरता है। फोर केस वन इज ए सबसेट ऑफ केस फोर, ठीक है। तो के के जगह में बस जीरो आ गया इस केस में, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के हो गया, दोनों केस में डी ग्रेटर देन जीरो भी सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल टू जीरो भी सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सही। और फंक्शनल वैल्यू पे जो वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे ए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ए नेगेटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ये तीनों कंडीशन ही एक्सेप्ट करना होगा, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, क्लियर है भाई। चलो अभी देखो, अभी अगर मैं बोल देता हूं एक्स्ट्रा एक चीज कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन, जैसे यहां पे नॉन नेगेटिव बोला था, मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो था ना यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे आ गया नॉन नेगेटिव, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वालिटी वाला कंडीशन अगर आ जाता है तो आप जानते हो क्या होगा, यहाँ पे जीरो आ जाए इक्वालिटी आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगा, क्लियर है क्या, दोनों जगह पे इक्वालिटी आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर बोथ द रूट्स लेस देन के में बोलता हूं तो ऑब्वियसली बस ये कंडीशन चेंज होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन चेंज हुआ था ना, बाकी सब तो सेम था, ठीक है ना। डी का कंडीशन भी सेम है, इसका कंडीशन भी सेम है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो सफिशियंट कंडीशन होगा वो ये तीनों ही कंडीशन में सफिशियंट कंडीशन होगा, ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल टू बोल देता है तो बस इन दोनों जगह पे इक्वालिटी आ जाएगा, और डी पे इक्वालिटी तो पहले से ही था, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरे पास, क्लियर है। तो सफिशियंट कंडीशन सबका याद रखना है, अगर सिर्फ कंडीशन याद रख लोगे ना बिना टॉपिक को समझे तो बेकार है, सवाल नहीं कर पाओगे, बुरा मत मानो दोस्त। डायरेक्ट मींस का सवाल आपसे बनेगा, एडवांस से सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। आप अच्छा बच्चा नहीं बन पाओगे, आप स्मार्ट तरीका नहीं सीख पाओगे, आप स्मार्ट बच्चा नहीं बन पाओगे अगर आप सिर्फ कंडीशन को रखते हैं। एक कंडीशन को समझाने के लिए आधा घंटा पसीना बहाना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अगर डीप से ईमानदारी से समझाना चाहो, ऊपर ऊपर समझाना तो बहुत आसान है, ठीक है ना, क्लियर है। तो फील करना है ये पूरा टॉपिक को, एंटायर टॉपिक को, पांच कंडीशन गया और मान तो चार पांच कंडीशन आएगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। बट ये पांच कंडीशन जो है इसको प्रॉपरली नोट करके अच्छे से नोट्स बनाना है ना, क्योंकि इस टॉपिक में जितना गंदा नोट्स बनाओगे उतना आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जितना गंदा नोट्स बनाओगे ना आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, और ऊपर से जब आप अगले साल में जब इस टाइम में आओगे ना, इस टाइम में जब अगले साल आओगे ना, तो कितना आपको याद रहेगा, ये तो ऊपर से आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो याद तो रहेगा ही नहीं। और जरूरी चीज है कि नोट्स रिवाइज करने का मन तो होना चाहिए, तो आपका नोट्स तो सुंदर होना चाहिए। इसीलिए सिर्फ इस टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ कि दो तीन कलर का पेन वगैरह अच्छे से यूज करके बढ़िया से एक नोट्स बना लेना, क्योंकि इस टॉपिक का नोट्स ही महारथी है। मैंने नोट्स में इतना सारा चीज कवर कर दिया कि आपका 50% बाकी दुनिया का क्वेश्चन तो ये नोट्स ही कवर कर देगा, सिर्फ ये जो स्लाइड बनाया मैंने, ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड जो भी आएगा, क्लियर है। तो प्रॉपरली ध्यान से कंडीशंस को लिख लेना और सारी चीज डीप में सोच सोच के बना लीजिएगा, है ना। और उसके बाद साथों साथ अगर कोई भी डाउट्स आता है तो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाउट्स लेकर के आगे आप कंटिन्यू कर रहे हो, नहीं, अगर मेरे से डाउट्स आ रहे हैं पूछो, पूछ करके उसको क्लियर करो और फिर जाकर के नेक्स्ट स्लाइड में चलो, ठीक है। चलिए आगे कंडीशन देखिए, तो चलो नेक्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका केस नंबर सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जैक्टली कि अगर के जो है वो अगर बिटवीन द रूट्स लाई करता है, दैट इज दोनों रूट्स के बीच में, तब क्या कंडीशन होगा। मान लो के जो है वो अल्फा बीटा दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर के जो है वो अल्फा और बीटा दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तब तो डी इक्वल टू जीरो वाला केस ऐसे ही फेल हो गया ना, क्योंकि d इक्वल टू जीरो वाले केस में दोनों जगह पे a ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो, दोनों केस में ऐसे आता है। तो इस जगह पे तो बोथ द रूट्स इक्वल हो जाता है, तो उन दोनों के बीच में कौन आएगा, आ ही नहीं सकता है। तो d इक्वल टू वाला केस तो ऐसे ही फेल हो गया, इसीलिए d पॉजिटिव एक ही केस आया। सम प्रोडक्ट माइनस बी बाई टू ए पे कोई कमेंट होगा नहीं, आप क्लियरली देख पा रहे हो, क्योंकि k का वैल्यू नहीं पता तो सम प्रोडक्ट कैसे बताएंगे क्या कौन है, वर्टेक्स भी के इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा कुछ नहीं जानते हम, है ना। अगर आपका ऐसे हो जाता है तो कैसे बोलेंगे, है ना, वर्टेक्स जो है वो के से बड़ा है। अगर ग्राफ मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना, के अगर यहाँ पे होता है तो वर्टेक्स के से छोटा हो जाएगा, तो कमेंट नहीं कर पाएंगे ये सब पे। तो डी पे कमेंट कर पाए हम लोग, और किसमें कमेंट कर पाएंगे कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो के पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है,
ए अगर लेस देन जीरो है तो के पे फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज दे आर ऑपोजिट इन साइन। तो यही हो जाएगा आपका इकलौता कंडीशन। और फाइनल जब सफिशियंट कंडीशन देखूंगा तब भी मैं यही यूज करूंगा, यहां पे किसी भी केस में अपन डी पे कोई कंडीशन नहीं ले रहे बिकॉज ये ऑब्वियस है देखो कि डी पॉजिटिव या फिर इक्वल टू जीरो ही हो सकता है। यहाँ पे रूट्स का बात कर रहा है, सारे के सारे रियल रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में एग्जैक्टली वन रूट है ना, ये मतलब सारे रियल रूट्स के कंडीशन चल रहे तो डी लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता। और डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले केस में कौन सा इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा नहीं हो सकता बिकॉज ए इंटू एफ ऑफ के अगर मैं नेगेटिव लिख देता हूं तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ए पे और फंक्शनल वैल्यू पे जो है साइन ऑपोजिट है। अभी अगर मैं ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस मान लेता हूं तो फंक्शनल वैल्यू जो होगा के पे वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना? तो फंक्शनल वैल्यू के पे अगर नेगेटिव हो गया है ना, के कोई भी मान लो वैल्यू, अगर ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस आप मान लेते हो तो आपके पास तीन ग्राफ आ जाता है, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ टच करके जा रहा है मान लो, और एक ग्राफ ऊपर, ठीक है। तो के पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है तो इस केस में कोई भी के तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है, इस केस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ इस केस में करेगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्ट नेगेटिव में जा रहा है, तो ऑब्वियसली के जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। और अगर ये पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो डी बराबर जीरो वाला केस भी हट गया, ठीक है। तो यही चीज इसको इम्प्लाई कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये दोनों केस कैंसिल हो गया, सिर्फ यही केस एक्सेप्ट होगा, यानी कि ए इंटू फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू के शुड बी लेस देन जीरो प्रोडक्ट ऑफ टर्म। तो ये केस आप याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं पे ऊपर आते ज्यादातर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, ये चार केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और आखिरी का दो लोगों, ठीक है। अगला देखो नंबर सेवन, सारे बुक्स में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट लाइन इन के वन से के टू, ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट लाइन इन द इंटरवल के वन से के टू, के वन से के टू जो इंटरवल है उस इंटरवल में एग्जैक्टली वन रूट होगा। अभी ऐसा भी सीन बन सकता है कि एग्जैक्टली ये देखो वन रूट आ रहा है इन द इंटरवल के वन से के टू, पर ऐसा भी सीन बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन के, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या बोलूंगा, सम प्रोडक्ट माइनस बी बाई क्यू, तो कोई कमेंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है। डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वालिटी हो नहीं सकता है बिकॉज वापस एग्जैक्टली वन रूट एग्जैक्टली वन बोल दिया इन द इंटरवल के वन से के टू, तो डी इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता है। तो अभी अपन यहां से क्या बोलेंगे, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू शुड बी नेगेटिव, क्योंकि के वन पे देखो पॉजिटिव है, के टू पे नेगेटिव है, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू यही नेगेटिव हो जाएगा। और के वन पे यहाँ पे नेगेटिव है, के टू पे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर भी दिख रहा है फंक्शनल वैल्यू एट के वन एंड फंक्शनल वैल्यू एट के टू आर ऑपोजिट इन साइन, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देम शुड बी नेगेटिव, दैट इज एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन जीरो होना चाहिए। क्लियर है क्या, तो यही दो कंडीशन है जो आपको ध्यान से देखना है, हाँ? और इसी को मैं सफिशियंट कंडीशन ले रहा हूँ। अभी बहुत बच्चे मेरे को यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे आपने पहले जैसे किए हो a इंटू एफ के वन और a इंटू एफ के टू, इस तरीके का कंडीशन क्यों यूज नहीं किए, तो वो मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे जो सब सारे बुक्स में गलत ही लिखा हुआ है वो क्या गलत लिखा हुआ है जानते हो, कि सिर्फ यही कंडीशन देकर के उन्होंने छोड़ दिया, बट सिर्फ यही कंडीशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ये चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, मेक ए डिफरेंट चेक पॉइंट फॉर एफ के वन इक्वल टू एफ के टू इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये दो केस भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, जरा ध्यान से फील करो तो चीजों को, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं अच्छे से तो आप ये समझ सकते हो कि ये दो केस भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लू ऐसे केस का, ठीक है, तो ये केस भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, देखो समझ में आ रहा है ना कि एफ के वन और के टू के बीच में हमारा कंडीशन क्या था कि एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल के वन से के टू है ना, अच्छा सॉरी के टू इस तरफ होना पड़ेगा ना, हाँ ये देखो के वन से के टू के बीच में एग्जैक्टली वन रूट तो मिल रहा है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, कि डिफरेंस आ गया कि ग्राफ जो है वो के वन से ही पास हो गया, समझ में आ रहा है ना, ग्राफ जो है आपका वो के वन से ही पास हो गया। अगर ग्राफ के वन से पास हो गया तो लफड़ा हो जाएगा ना, तब तो एफ ऑफ के वन इक्वल टू जीरो के लिए भी आपको चेक करना पड़ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे दो चेक पॉइंट डालते हैं, मतलब अलग से आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि एफ के वन इक्वल टू एफ के टू इक्वल टू जीरो के लिए क्या केस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं साथों साथ एक क्वेश्चन भी लिया, इसी को मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा, समझ आ रहा है ना, थोड़ा वेट करो, ये रेस कर दो, इसको आप नोट कर लो, मैं ऊपर वाला केस रेस करके यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, एक साथ साथ कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा।
ठीक है, कि क्यों हमें चेक पॉइंट का जरूरत होता है वो मैं एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 से 3, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट 0 से 3 पे बिलोंग कर रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट 0 से 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। आप क्या कंडीशन लगाओगे, आप लगाओगे एफ जीरो इंटू एफ ऑफ 3 शुड बी लेस देन 0, ठीक है, जो सारे जगह पे लिखा हुआ था। एफ जीरो कितना आएगा 2a और एफ ऑफ 3 कितना आएगा 9 - 3a - 3 + 2a < 0। तो यहां से क्या आ रहा है ना, 2a - a + 3 < 0। तो अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट का माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो यहां से सॉल्व वगैरह होके फाइनली a - 3 > 0 ऐसा सीन बनेगा। यही तो आएगा 9 - 3a - 3 + 2a < 0, सही करो। तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, देखो जरा ध्यान से, यहां से a का वैल्यू जो है वो मिल रहा है -∞ से 0 यूनियन 3 से ∞, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, सारे बुक्स में यही आंसर दिया हुआ रहता है, बट ये गलत है। यहां पे आपको चेक पॉइंट समझना पड़ेगा, है ना। चेक पॉइंट क्या करना है कि एग्जैक्टली आपको एफ जीरो इक्वल टू जीरो एक्सट्रीम वैल्यूज पे इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ 3 = 0 चेक करके देखो कि इन दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग जो ए का वैल्यू आ रहा है क्या उसके लिए इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एफ जीरो इक्वल टू अगर मैं 0 करता हूं तो यहां से ए का वैल्यू 0 ही आ गया, और एफ ऑफ 3 = 0 करते तो यहां से ए का वैल्यू 3 आ गया। तो ए का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं, ए का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो यहां पे क्या आएगा, देखो x²-x = 0। इफ ए इक्वल टू 0 तो यहां से आपका क्या आएगा x²-x = 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 0 और 1 आ रहा है। और अगर मैं a का वैल्यू 3 ले लेता हूं तो x²-4x + 6 = 0 आ गया, है ना, x²-4x + 6 = 0। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्त, a का वैल्यू 3 ले लिया ना, 4x हो जाएगा 6x हो जाएगा। x का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली यहां से क्या आ रहा है, एक तो यहां पे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, 16 - 24, ये तो इमेजिनरी आ रहा है ना, इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, तो इसके लिए तो हो ही नहीं सकता है, इसके लिए तो हो ही नहीं सकता है। इमेजिनरी रूट्स अगर आ रहा है तो एग्जैक्टली वन रूट थोड़ी ना 0 से 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि रूट्स जो भी आ रहा है इस इक्वेशन का फॉर a = 3 वो इमेजिनरी आ रहा है, तो कैसे एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में 0 से 3 में घुस जाएगा, इम्पॉसिबल है। बट अगर मैं a का वैल्यू 0 ले लेता हूं तो x का वैल्यू आ रहा है 0 और 1, ठीक है, और 0 और 1 में से एग्जैक्टली वन रूट, बोथ द रूट नहीं, एग्जैक्टली वन रूट, पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एग्जैक्टली वन रूट दैट इज 1 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। एग्जैक्टली वन रूट दोनों में से एग्जैक्टली वन रूट कौन, 1 का बात चल रहा है जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ये वाला चीज पूरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये वाला सीन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये वाला सीन को अगर आप मिस कर जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, अगर आप ये कंडीशन ध्यान नहीं दोगे, मतलब आपका आंसर यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर जो होगा उसमें क्या आएगा, a belongs to -∞ से 0 क्लोज्ड आएगा, बिकॉज a इक्वल टू 0 एक्सेप्टेड है, a इक्वल टू 0 के लिए जो रूट्स आ रहा है उसमें से एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और 3 पे इक्वालिटी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वही चीज आपको बोला गया कि आप एक चेक पॉइंट डालो f(k1 और f(k2 = 0 के लिए, है ना, f(k1 और f(k2 = 0 करके जो a का वैल्यू आएगा वो पुट करके इक्वेशन में चेक करके देखो कि जो रूट्स आ रहा है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत जगह पे इस चीज को करेक्ट करने के लिए मैं क्या देखता हूँ जानते हो, बहुत सारे कोचिंग मैट्रिक्स, बड़े बड़े कोचिंग मैट्रिक्स या फिर अच्छे अच्छे राइटर्स का बुक्स में ये सब लिख देता है ना, f(k1 × f(k2 > 0 लिख देता है, बट ये गलत है, इक्वालिटी भी मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, कंडीशन तो सफिशियंट कंडीशन तो यही होगा, इक्वालिटी भी नहीं आएगा, बिकॉज अगर इक्वालिटी यहां पे मैं लगा देता तो 0 और 3 दोनों जगह पे क्लोज आ जाता ना, बट 3 के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो सफिशियंट कंडीशन यही है, बट
इसके अलावा भी आपको एक चेक पॉइंट देकर के ध्यान देना पड़ेगा कि दिस इज योर चेक पॉइंट, जहां पे आपको ये केस ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबिलिटी भी बन सकता है। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट केस ऑफ लोकेशन। ठीक है, ये सबसे तगड़ा कंसेप्ट है। अगर आईटी सवाल पूछेगा तो यहां से जरूर होगी पूछेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सारे मटेरियल में गलत लिखा हुआ है। तो समझ जाइएगा कि हम क्या आंसर देंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज होगा यूनियन ओपन थ्री से इन्फिनिटी, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, एक्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलोंग्स टू द इंटरवल जीरो से थ्री ओपन। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? और अगर यहाँ पे जीरो से थ्री पे क्लोज लगा देता क्वेश्चन में, अगर जीरो से थ्री पे क्लोज लगा देता क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जीरो पे क्लोज लगाता, बोलो अगर जीरो पे और थ्री पे यहाँ पे क्लोज लगा देते अपन क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्लोज आता क्या? नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो और थ्री पे क्लोज लगा देता तब ए का वैल्यू जीरो के लिए जो रूट्स आ रहा है दोनों के दोनों रूट्स इस इंटरवल में बिलोंग कर जाता। अगर मैं इंटरवल ऐसे दे देता जीरो से थ्री क्लोज, तब आपका रूट्स आया था जीरो और वन। अभी ये दोनों के दोनों रूट्स ही तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट आपका कंडीशन तो है एग्जैक्टली वन रूट बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू जीरो के लिए भी कंडीशन फेल हो जाता, मतलब तब आपका आंसर ये ही आता। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, जो शायद मैं क्वेश्चन अगर बनाने लगूं तो हजारों क्वेश्चन बन जाएगा, बट एक अच्छे से अगर डिस्कशन हो जाए आपके साथ तो उसके थ्रू आराम से सारी चीज क्लियर हो जाता है जो मैंने अभी बोला। तो ये मैंने क्वेश्चन करा करके चला गया, आप नोट्स में सिर्फ यही चीज लिख कर रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो साथों साथ एक्स्ट्रा क्लोज इंटरवल वाला केस बोला है वो भी अगर लिख के रखोगे तो फायदा होगा। ठीक है ना? तो आप एक्सेप्शनल बच्चा बन पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये सब चीजों पे ध्यान देना दोस्त। ठीक है, पढ़ाने पे बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं अपन। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान देना। ठीक है, आगे चलते अगला कंडीशन पे बोल रहा है कि बोथ द रूट्स लाइन इन द इंटरवल के वन से के टू, के वन से के टू पे दोनों रूट लाई कर रहा है। अगर के वन से के टू पे दोनों रूट लाई करेगा ये भी तो क्या होगा? सम प्रोडक्ट माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए पे तो अभी कमेंट हो जाएगा, बट सम प्रोडक्ट में कोई कमेंट नहीं होगा। और माइनस बी बाई टू ए ऑब्वियसली के वन से के टू के बीच में होगा। ठीक है, और इक्वेलिटी वाला डी इक्वल टू जीरो वाला केस भी तो हो सकता है ना। बोथ द रूट्स सिर्फ बोला है बोथ द रूट्स लाइन इन द इंटरवल के वन से के टू, तो बोथ द रूट्स अगर इक्वल हो गया तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? माइनस बी बाई टू ए के वन से के टू के बीच में तो हो सकता है। ठीक है, इक्वेलिटी कहीं पे नहीं आ सकता, इक्वेलिटी कहीं पे नहीं आ सकता, बिकॉज अगर इक्वालिटी हो गया मतलब माइनस बी बाई टू अगर के वन के इक्वल हो गया तब लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तब क्या लफड़ा हो जाएगा? तब बोथ द रूट्स तो लाइन ही करेगा के वन से के टू के बीच में। समझ में आ रहा है? क्लियर, बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है, अगर क्लोज इंटरवल देता तो कंडीशन वगैरह चेंज होता। ठीक है ना? क्लोज इंटरवल के लिए सारे जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, और वो मैं इतना केसेस अगर बनाने जाऊंगा ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एक चीज सीखो और उसके बेसिस पे दिमाग लगाओ। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल होता तो आप खुद सोचो क्या होगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो कंडीशन आ जाएगा क्या, देख लो आप, है ना, जो भी है समझ जाओ। ए ग्रेटर देन जीरो पे एफ के वन पॉजिटिव एफ के टू पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के वन पॉजिटिव ए इंटू एफ के टू पॉजिटिव, और माइनस बी बाई टू ए के वन से के टू के बीच में होगा। दिस इज द सफिशियंट कंडीशन जो आपको याद रखना है। यहाँ पे भी बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपने इसके तरह कंडीशन क्यों नहीं यूज किए कि एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू दोनों पे नेगेटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, ये क्यों नहीं यूज किए? ठीक है, तो उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा देर रुको। अब एक थर्ड केस देखो, वन रूट इज स्मॉलर देन के वन, मतलब एक रूट के वन से छोटा है, के वन यहाँ पे है, के वन से एक रूट छोटा है और एक रूट के टू से बड़ा है, ये ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस हो गया, ये ए लेस देन जीरो वाला केस हो गया। इस केस में तो रूट्स इक्वल का तो केस हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, बिकॉज अगर रूट्स इक्वल हो गया तो एक के वन से छोटा और एक के टू से बड़ा थोड़ी ना हो पाएगा, रूट्स तो इक्वल हो जाएंगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो ये तो आपको समझ में आ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सब प्रोडक्ट माइनस बी बाई टू यहाँ पे कोई कमेंट होगा नहीं, बिकॉज बोल नहीं पाएंगे कि माइनस बी बाई टू किधर होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जैसे क्लियरली बोल पा रहे थे यहाँ पे बोल नहीं पाओगे। अब सोच करके देख लो, है ना, ये ऐसे भी हो सकता है माइनस बी बाई टू के टू के बाहर भी हो सकता है, के वन से के टू के बीच में भी हो सकता है और के वन के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। क्लियर है? तो जो सफिशियंट कंडीशन हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा
कि a इंटू के वन लेस देन जीरो और a इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो, बिकॉज a जब ग्रेटर देन जीरो है तो के वन पे फंक्शनल वैल्यू और के टू पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है, और a जब ग्रेटर देन जीरो है तो के वन पे फंक्शनल वैल्यू और के टू पे फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव है. टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन दैट इज वन रूट इज स्मॉलर देन के वन एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के टू. क्लियर है? तो यही हो जाएगा आपका सफिशियंट कंडीशन. डी वगैरह लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डी मैंने आपको यहाँ पे भी सिक्स वाले केस में भी दिखाया कि डी ग्रेटर देन जीरो को ऑलरेडी ये सब कंडीशन एक्सप्लेन कर देता है, इसीलिए इसको लेकर के और झंझट करके कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली इसी पे फोकस करो, हो जाएगा. क्लियर? अभी आप जरा ध्यान से देखो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो वाला रीजन जो आप लोग शायद मेरे को क्लास में पूछते हैं कि यहाँ पे आपने a इंटू एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो या फिर a इंटू एफ ऑफ के टू इस केस में अगर मैं देखो लेस देन जीरो, बिकॉज एफ ऑफ के वन दोनों जगह पे a ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ के वन पॉजिटिव, a लेस देन जीरो, एफ ऑफ के वन नेगेटिव, मतलब इन दोनों का साइन सेम है. तो ये कंडीशन क्यों एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ये कंडीशन क्यों एक्सप्लेन नहीं किया देखो, क्योंकि अगर मैं ये कंडीशन ये दोनों कंडीशन लगाता तो इसका मल्टीपल पॉसिबिलिटी निकल जाता है ना, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यही मतलब नहीं निकलता, क्योंकि a इंटू एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो तो इधर भी आ रहा है ना देखो. तो अगर मैं a इंटू एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो लिख देता, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो अगर मैं लिख देता, अगर आपको लेना है तो आप दोनों कंडीशन ले सकते हो, दोनों कंडीशन ले सकते हो तब चीजें सही रहेगा, ठीक है. अगर आपको लेना ही है तो आप दोनों कंडीशन ले सकते हो, दैट इज दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. अदरवाइज अगर एक कंडीशन आप लेना चाहोगे तो यहां पे लफड़ा हो जाएगा ना. देखो एक कंडीशन तो यहां पे भी आ रहा है, तो आपको बोला गया है एग्जैक्टली वन रूट लाई करना है, आप बोथ द रूट का कंडीशन भी लगा रहे हो, ठीक है. तो अगर आपको लेना है तो दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा. सिमिलरली यहां पे अगर मैं एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो बोल देता हूं, ठीक है, जैसे इस केस में एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो बोल देता हूं इस केस की तरह, तो वो इस जगह पे मैं लिखता ना ये कंडीशन एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे भी के वन के टू पॉजिटिव, यहाँ के वन के टू फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. तो ये कहीं ना कहीं इसको भी तो इम्प्लाई कर सकता था ना, बिकॉज यहाँ पे भी तो के वन पे और के टू पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है और के वन पे और के टू पे फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. तो अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये इसको भी इम्प्लाई कर सकता था, बट अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिख देता हूं तो ये इसको इम्प्लाई कर सकता था. इसीलिए ये केस सिर्फ फंक्शनल वैल्यू एट के वन एंड के टू का केस सिर्फ इसी जगह पे आता है, आप याद रखना, इन दोनों जगह पे लिखने से कंट्राडिक्शन आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे अगर लिख देते हो तो इसका मतलब ये भी निकल जाएगा, और अगर यहाँ पे लिख देते हो तो इसका मतलब ये भी निकल जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा. आपको ऐसा यूनिक कंडीशन सेटिस्फाई कराना है जो पर्टिकुलरली उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है. तो वो एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो आपको सफिशियंट कंडीशन में लिखा गया है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बस इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है. और जो भी मैंने कंडीशंस जो भी सारे पॉइंट्स में लिख करके दिया वही है आपका सफिशियंट कंडीशन जो आपको सारे केसेस में अप्लाई करना है और याद भी रखना है. क्लियर है क्या सर? ठीक है, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखो एक नोट आपको बताया गया है, ठीक है. आपको लास्ट में देखो एक नोट बताया गया है, इस नोट में देखो क्या लिखा गया है. इस नोट में लिखा गया है, अच्छा इस केस को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, वन रूट इज स्मॉलर देन के वन और अदर रूट इज ग्रेटर देन के टू अगर है तो कोई भी रूट के वन से के टू के बीच में लाई नहीं कर रहा है. मतलब इसको तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि नो रूट लाइंग इन द इंटरवल के वन से के टू, बिल्कुल सही. क्लियर है? चलो तो अभी क्वेश्चन में ना आपको कभी कभी घुमा के भी पूछता है. कैसे पूछता है देखो, आपको एग्जैक्टली आपने स्टडी किए हो एग्जैक्टली वन रूट लाई करना, बोथ द रूट्स लाई करना, नो रूट्स लाई करना, इन तीनों केस को मिक्स करके वो लोग ऐसे भी बना देते क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट वन रूट या फिर फॉर एटमोस्ट वन रूट. अगर आपको बोल देता है कि फॉर एटलीस्ट वन रूट लाइंग इन द इंटरवल के वन से के टू कंडीशन क्या होगा, मतलब आप समझ जाना कि एटलीस्ट वन रूट लाई करने के लिए के वन से के टू में एटलीस्ट वन रूट अगर लाई करना है तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, या तो मैक्सिमम कितना कर सकता है, दो क्वाड्रेटिक का है ही तो दो रूट, तो या तो एक रूट लाई करेगा या तो दोनों रूट लाई करेगा, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना एटलीस्ट का. एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक रूट होगा और ज्यादा से ज्यादा दो रूट होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दो रूट का, क्वाड्रेटिक का दो ही रूट होता है. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वन रूट वाला कंडीशन इन दैट इंटरवल के वन टू के टू एंड बोथ द रूट्स वाला कंडीशन,
दैट इज कंडीशन नंबर 7 एंड कंडीशन नंबर 8. केस 7 और केस 8 का अगर आप यूनियन ले लोगे तो आपको ये वाला कंडीशन मिल जाएगा. समझ आ रहा है मेरे पास? पक्का? अगर केस 2 और केस 7 और केस 8 का अगर यूनियन ले लेंगे तो ये आ जाएगा. और एटमोस्ट वन रूट का मतलब क्या है कि मैक्स टू मैक्स एक रूट आ सकता है इन द इंटरवल. तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? या तो एक रूट आएगा, क्योंकि दो रूट तो आ नहीं सकता, एटमोस्ट वन रूट बोल दिया, तो मैक्सिमम एक रूट आ सकता है, या तो जीरो रूट आ सकता है. ठीक है ना? या तो जीरो रूट आ सकता है, दैट इज नो रूट, है ना? तो तब किस किन दोनों कंडीशन का यूनियन हो जाएगा? केस नंबर 7 एग्जैक्टली वन रूट, और नो रूट वाला कंडीशन, दैट इज केस 9. ठीक है? अगर एटलीस्ट वाला कंडीशन आ जाए तो 7 और 8 का यूनियन ले लोगे, 7 निकालोगे 8 निकालोगे दोनों का यूनियन ले लोगे, और अगर एटमोस्ट वाला कंडीशन आ जाए तो 7 और 9 का यूनियन ले लोगे. ठीक है? समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल अबाउट योर लोकेशन ऑफ रूट. ठीक है? और कोई कंसेप्ट नहीं होता है लोकेशन ऑफ रूट में. एक घंटा में मैंने थियरी समझाया आपको लोकेशन ऑफ रूट का, और इतना मेहनत मैंने सिर्फ इसीलिए किया ताकि मेरा इसी के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एक साथ. समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और कोई मेरा मोटिव नहीं है लोकेशन को पढ़ाने का इतना समय लेकर के. ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन लगता है बच्चों को, और उनको समझ नहीं पाते, भूल जाते कंडीशंस को. तो प्रॉपरली जब भी आप रिवीजन करोगे, खुद को एक्सप्लेन कर करके रिवीजन करोगे, तो कभी भी भूलोगे नहीं कंडीशन. अगर भूल भी गए तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि आप कंडीशन जो है वो खुद से डिराइव कर पाओ. समझ में आ रहा है ना? बट अगर आप याद रख के चलोगे तो आप अपने आप को एक रोबोट बना लोगे. अगर मैकेनिज्म चल रहा है तो ठीक है, आपको याद आएगा. अगर बंद हो गया तो आप भूल जाओगे, सवाल छूट जाएगा आसान सवाल. ठीक है? तो इसका बचने का तरीका एक ही है कि जब भी अपन रिवाइज करेंगे तो अपन खुद को एक टीचर मान लेंगे और खुद को ही एक स्टूडेंट मान लेंगे, खुद ही खुद को समझाते चलेंगे. समझ में आ रहा है ना? बार बार. ठीक है? रिवीजन का वही टेक्निक होता है. ठीक है? एक बार देख लिया बस, उसके बाद नहीं, एक व्हाइट बोर्ड या फिर कुछ भी एक रफ कॉपी में जाकर के अपन खुद से ही पूरा सारे कंडीशंस लिख रहे हैं. अच्छा, बोथ द रूट्स अगर पॉजिटिव हो गया तो ये हो जाएगा, अगर K1 से K2 के बीच में हो गया तो ये हो जाएगा, है ना? ये पॉसिबल कंडीशन है, बट जो सफिशियंट कंडीशन है वो यही है, बिकॉज बाकी सारे कंडीशन इसको इम्प्लाई कर रहा है. ऐसे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, वही चीज आपको खुद को करते जाना है. तो ऐसे करते 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 याद हो जाएगा, और सवाल तो साथ साथ चलता ही जा रहा है. सवाल करते करते तो ऐसे ही याद हो जाएगा कंडीशंस, बिना कंडीशंस, है ना? और ये आदत में मत रखना, है ना? शीट का क्वेश्चन होगा, होमवर्क में लोकेशन का क्वेश्चन होगा, तो जितने जगह पे क्वेश्चन आएगा, ये बच्चों का आदत रहता है, नहीं चलो अभी तो एग्जाम नहीं आया, एग्जाम से पहले याद कर लेंगे, अभी कॉपी खोल के कंडीशन देख लेते हैं. ये गलत चीज है यार. ऐसे करोगे ना तो आप कभी चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन तो करते नहीं हो आप लोग, तो याद ही नहीं कर पाओगे. तो इससे अच्छा है जब भी आप होमवर्क करोगे या फिर जब भी करोगे, एक साथ आप सारी चीज खुद से प्रैक्टिस करके कॉपी में नोट्स बनाने के बाद खुद से प्रैक्टिस जब करोगे रफ कॉपी में, खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना कि ये होता है, ये होता है, ये होता है. जब आपका माइंड में पूरा सेट हो जाएगा तब आप क्वेश्चन करो, और बिना देखे करो, बिना कंडीशंस को देखे करो. समझ में आ रहा है ना? तो उसके थ्रू आप सीखोगे चीजों को. बट ऐसे अगर चीजों को डायरेक्टली कंडीशन याद कर लोगे या फिर कॉपी खोल के देख लोगे तो आपका फायदा नहीं होगा. पढ़ने के बाद भी आप उतना आगे नहीं जा पाओगे, आप एक टॉपर का एटीट्यूड मेंटेन नहीं कर पाओगे आपके अंदर. समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ध्यान से चीजों को समझो एंड अकॉर्डिंगली काम करो. समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो दैट्स इट, लोकेशन ओवर है, है ना? अभी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं आपको. ठीक है? तो चलो सर, मैं एक क्वेश्चन बनाया भी इस लोकेशन को और अच्छे से क्रिप लाने के लिए. देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, एम का वैल्यू रियल नंबर है. मैंने बोला था इसी तरीके का क्वेश्चन होता है जहां पे अननोन डाल देता है कोई भी कोफिशिएंट, और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है किसी कंडीशन के ऊपर बेस करके. तो जितने भी पॉसिबल, मतलब इसके बाहर क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर सकता एग्जामिनर. ये 20 केस एक्सट्रीम है ना, इसके बाहर पॉसिबल नहीं है. इसके बाहर बनाना है तो कुछ और यहाँ पे यूज करना होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके शीट में बहुत सारे है ना, 8-10 प्रकार के एकदम अच्छे अच्छे फंडू क्वेश्चन एकदम दिया हुआ है आपके शीट में. ठीक है? उस जगह से आप करोगे, बट पहले तो ये बेसिक चीज निपटा लो. ठीक है? पहले ये बेसिक कर लो. इसके ऊपर डायरेक्टली जेई में इस क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देख लेना, मिल जाएगा. बट इसके बाद क्वेश्चन हो नहीं सकता. मैंने अभी भी बनाया, आप ये सारे के सारे मैं होमवर्क लेकर के दे रहा हूँ आपको. ठीक है? और आंसर्स सॉल्यूशन जो भी हो जूम क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ. ठीक है? और जो भी बच्चा ये 20 के 20 क्वेश्चन करेक्ट करेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा. ये चॉकलेट सवाल आज के लेक्चर के लिए मान लो. ठीक है? 20 के 20 पार्ट्स करेक्ट होना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो अच्छे से सोच समझ के कर लेना.
ठीक है, अच्छे से सोच समझ के कर लेना, बिकॉज 20 के 20 पार्ट्स करेक्ट होना पड़ेगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा। एकदम सिंपल है, जो चीज पढ़ाया वही क्वेश्चन उठा करके दे दिया, बस एक फ्रेम करके, ठीक है ना। देख किस कंडीशन के ऊपर बेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, वो द रूट्स का बात कर रहा है। जहां पे वन रूट होगा वन रूट लिखा हुआ रहेगा, इक्वल होगा नॉट रियल होगा ऑपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड पार्ट ऑपोजिट इन साइन, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव ग्रेटर देन टू लेस देन टू, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, एटमोस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, वन इज स्मॉलर देन टू, अदर इज ग्रेटर देन टू, एक्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल दिस क्लोज लगा दिया, यहाँ पे बोथ द रूट्स क्लोज लगा दिया, फिर वन रूट टू से बड़ा, एक रूट टू से छोटा, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट लाइन इन द इंटरवल वन से टू, यहाँ पे क्लोज लगा दिया, फिर यहाँ पे एटमोस्ट, फिर क्लोज लगा दिया। सारे के सारे केसेस मैंने आपको थियरी में इन डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर रखा हूं, अभी वो थियरी को समझते हुए बस आपको ये सारे कंडीशंस को करना है, और मैं कोशिश करूंगा, मैं जानता हूं कि आप कॉपी देख करके कंडीशन लगा दोगे एंड एम का वैल्यू निकाल दोगे, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके सभी को बोल रहा हूं कि अगर टॉपिक को ग्रिप में लाना है कि कंडीशन देख करके आंच लिख दोगे चॉकलेट लेके चले जाओगे कोई फायदा नहीं होगा, अगर हमेशा हमेशा के लिए उसको बनाना है खुद के अंदर तो कभी भी ये सब चीजों को आप देख देख के मत कीजिएगा, एक बार पढ़ के याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब याद करने का कोशिश करेंगे दिमाग में वो प्रेशर जाएगा, तभी जाकर के दिमाग को ये समझ आएगा कि नहीं मेरे को तो ये सारे डेटास जो है ये सारे कंडीशंस को याद रखना है, नहीं तो दिमाग कभी ट्रेन होगा ही नहीं याद रखने के लिए, वो भी समझ के चला जाएगा, जब वापस रिवाइज करोगे तो वो समझ जाएगा, बट याद रखने वाला पार्ट तो काम नहीं होगा ना, ठीक है, तो उसको भी साथों साथ प्रोसेस करना है, समझना तो फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ही है, बट वो प्रोसेसिंग अगर नहीं होगा तो ना कहीं अपन आखिर में जाके फंसेंगे, ठीक है, फंसोगे तो ये तय है, ठीक है, दिक्कत आएगा, ऐसा नहीं बोल रहे उसका निपट नहीं सकते हो, निपट जाओगे, बट क्या फायदा क्या है कि फालतू में आप झंझट उठाते, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बढ़िया से एकदम चीजों को करो, ठीक है, सारे के सारे एकदम लल्लू सवाल है, ठीक है, एकदम मतलब डायरेक्टली नोट्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो पढ़ाया वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बस कंडीशन लगा देना, जैसे कुछ भी एक मैं बता देता हूँ ना, एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल वन से टू, क्या है एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू लेस देन जीरो, खत्म बात, एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन जीरो कंडीशन, और लास्ट में बस चेक पॉइंट लगा देना है, एफ वन इक्वल टू जीरो एफ टू इक्वल टू जीरो करके, जो एफ वन एफ एक्स कौन है यही पॉलिनोमियल होगा, एफ वन इक्वल टू जीरो एफ टू इक्वल टू जीरो करके जो एम का वैल्यू आएगा, उस एम के वैल्यू के लिए जो एक्स का वैल्यू आएगा, उन x का वैल्यू में से क्या एग्जैक्टली वन रूट ही क्या लाई कर रहा है क्या इस इंटरवल में, अगर बोथ द रूट्स कर देता है तो भी नहीं होगा, अगर कोई भी रूट नहीं करता है तो भी नहीं होगा, एग्जैक्टली वन ही करना पड़ेगा तभी वो m का वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, दैट इज आंसर में आएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको डिटेल में अच्छे से इतना मेहनत करके एक घंटा मेहनत करके समझा करके दिया, अभी मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि दोबारा और समझाने का प्रयास होगा, अब खुद से अटेम्प्ट मारो, सॉल्व करो, और आंसर्स में डिस्कस करूंगा, जो नहीं होता है जो आपका डाउट्स है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है दोस्त, लोकेशन में मैं और कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बिकॉज आपकी सेट में सफिशियंट कंसेप्ट दिया हुआ है ना, बहुत अच्छा खासा 10-12 प्रॉब्लम दिया गया है लोकेशन के ऊपर, तो उनको आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, वो अगर कर लोगे तो मोर देन एनफ फॉर आईडीजी प्रिपरेशन, ठीक है, और किसी चीज का जरूरत है नहीं, और फिर पीएससी तो है ही, ठीक है, तो शीट में जितने क्वेश्चन है लोकेशन में उसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब डिस्कस होने के बाद, ठीक है, जब आपको शीट में होमवर्क दिया जाएगा ना तो आप बहुत अच्छे से एफर्ट लगा करके कर लेना बस, ठीक है, यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो खत्म हुआ चैप्टर हमारा थियरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, तो थियरी ऑफ इक्वेशन अगर खत्म हुआ तो थियरी ऑफ इक्वेशन का चार टॉपिक बाकी था, मैंने आपको बोला भी था स्टार्टिंग में, रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हो, रिमाइंडर थ्योरम है ना, नाइन्थ में आप पढ़े भी हो, फैक्टर थ्योरम बट वो जो पढ़े हो वो बस आप फॉर्मुला बेस्ड पढ़े हो, ठीक है ना, डीप में आप नहीं घुसे हो, ठीक है ना, या फिर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सब सॉल्व नहीं किए, और दो और चीज आता है ना, इंटीग्रल रूट थ्योरम, ठीक है, इसका खास कोई काम नहीं है, और रैशनल रूट थ्योरम, ठीक है, तो ये चारों चीज जो है वो ओलंपियड ओलंपियड जो मैथ्स ओलंपियड का सिलेबस होता है ना, गवर्नमेंट ओलंपियड मैथ्स आई वो का जो सिलेबस होता है ना, ये चार ब्रांच, एल्जेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स, नंबर थ्योरी एंड योर ज्योमेट्री, एल्जेब्रा का तीन पार्ट होता है ना, पॉलिनोमियल, इनइक्वालिटीज एंड फंक्शनल इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल वाला सेगमेंट जो शुरू होगा ना 12 अक्टूबर से, इस पॉलिनोमियल वाले सेगमेंट पर मैं ये चारों चीज कवर करूंगा, उसका डिटेल लिंक सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन आप मत करो, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट, ठीक है, जो भी है पॉलिनोमियल वाला पार्ट में जब भी आपको पढ़ाया जाएगा 12 अक्टूबर से, तो उसका
डिटेल लिंक वगैरह जो है वो अपन आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो उस जगह से आप ये चीज पढ़ लेना, तो नोट्स में आप थोड़ा सा पोर्शन खाली रख देना और उस वीडियो से आप ये चीज पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर है। और लोकेशन का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप शीट से करोगे, वो डिस्कस तो करूंगा, है ना, बताओ डिस्कस तो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खत्म हुआ ये थियोरी ऑफ इक्वेशन का ब्रांच, ठीक है ना। तो ये जो मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ ना, जो मतलब जिस तरीके से मैं आपको बता, ये आप नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन वगैरह, पहले का चीज पॉज करके थोड़ा कुछ मिनट पहले चले जाओ। तो अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ ना, क्लास 11 सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, क्या बोर्ड एग्जाम तो इंक्लूडेड ही रहता है। अगर बोर्ड एग्जाम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना होता है, बोर्ड के लिए पढ़ाना होता, तो आज तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाता, ठीक है। तो बट फिर भी आप जानते हो कि कितना कंटेंट रहता है कितना नहीं रहता है। तो खैर अगर मैं सिलेबस को देखूं ध्यान से, ठीक है, तो हमारा शुरू हुआ था कहां से, हमारा शुरू हुआ था बेसिक मैथ से, हाँ बेसिक मैथ से शुरू हुआ था, फिर हुआ हमारा स्टैट्स हुआ था, है ना, फिर लॉ हुआ था, फिर इनइक्वालिटीज हुआ था, फिर फंक्शन हुआ था, उसके साथ साथ रिलेशन भी हुआ, है ना। तो फंक्शन के बाद जाकर के अपन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे फ्रीगो, फ्रीगो का पार्ट 1-4 कवर था, पार्ट 5 बाकी है, फिर आपका सिक्वेंस इन सीरीज हो गया, फिर आपका थियरी ऑफ इक्वेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट होता है क्लास 11 सिलेबस का, ये मेरा फर्स्ट पार्ट होता है जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है, जो मेरा पूरा पूरा कंप्लीट है। मैं इसी सीक्वेंस में हर साल पढ़ाता हूं, बिकॉज इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन ना पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पढ़ा देता तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते, देख लो ना, खुद ही नोट्स निकाल करके देख लो, अगर फंक्शन बिना पढ़ा के ये सब पढ़ा देता, इनइक्वालिटी बिना पढ़ा के फंक्शन पढ़ा देता तो कुछ नहीं कर पाते। वो रटा सकता हूं बोर्ड वाले टीचर के तरह रटा सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट समझा नहीं पाऊंगा, वो लिमिटेशन है। जो दूसरा ब्रांच है हमारा वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा ब्रांच है, इसमें 5 चैप्टर्स है, 5 नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर काउंट कर देंगे तो 6 चैप्टर्स है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांच है ये, ठीक है। और इसके साथ आएगा सबसे खतरनाक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, डेंजरस। एनसीईआरटी क्लास 11 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस में जितना कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उतना आपको आता है, उतना मेरे को पढ़ाने का भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर दो, मैं छूने का भी जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जिनका भी एडवांस मैथ्स था उससे ज्यादा चीज पढ़ के आए हो, है ना, क्लास 11th में जितना है उससे ज्यादा चीज आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, समझ में आ रहा है क्या, वो मेरे को छूने का भी जरूरत नहीं। बट आईटी के लिए अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को उतना सा पढ़ा के खत्म कर दे तो पता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का सी भी देख करके आप घबरा जाओगे, ठीक है, क्योंकि आईटी जिस लेवल में कॉम्प्लेक्स नंबर को सेंड करता है वो लेवल देखोगे तो घबरा जाओगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, बट आपके अकॉर्डिंग ये होगा या नहीं होगा तो ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर को भी ऐसे मैंने बोला था, बट बच्चे बाद में मेरे को बोलते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो आसान है, क्योंकि वो लोग एहसास नहीं कर पाए, उस वक्त ताजा ताजा पढ़े थे तो नया नया था इसीलिए आसान लग गया था, जैसे जैसे वो डीप में जाएंगे ना और पुराना होता जाएगा टॉपिक उतना ही है ना भयंकर टॉपिक है, ठीक है। तो इससे डरना बनता है, बिल्कुल डिफिकल्ट टॉपिक में मानता हूं इसको, है ना, क्योंकि इसका सवाल भी हर साल उठा करके अगर देखोगे ना तो घुमा के पूछा जाता है इसका सवाल, तो अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर, इसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट क्लासिकल चैप्टर है, ठीक है। तो दिमाग वाले चैप्टर है बहुत ज्यादा, ये हो जाता है मेरा सेकंड ब्रांच हर साल का। और थर्ड ब्रांच जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, वो है हमारा कॉम्बिनेटॉरिक्स वाला सेक्शन, जिस सेक्शन में इस बार को आईआईटी ने पेपर 2 में इतना वेटेज दिया पूछो मत, है ना, प्रोबेबिलिटी 5-5 पर, 3-3 क्वेश्चन पीएनसी, 2-2 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है ना। तो एडवांस वाला पेपर आप देखे होंगे, है ना, तो एक दिन पहले ही हुआ है, ठीक है, संडे को ही हुआ, आज ट्यूजडे, संडे को ही हुआ है। तो देख लो आप, पीएनसी हो गया ना, पीएनसी हो गया, पीएनसी के बाद आपका आएगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, बिकॉज बिना पीएमसी पढ़ाए बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा नहीं सकते, पूरा दुनिया में तो बाइनोमियल थ्योरम पहले ही पढ़ा देते, पर जो कि गलत चीज है, ऊपर पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं ना दोस्त, हम लोग जब बाइनोमियल पढ़ेंगे तब बाइनोमियल में हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, तो वो सब चीज को भी ना बोर्ड से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं, तो आपको सबर रखना होगा। अगर डीप में जाकर के सीखना चाहते हो और उस लेवल में तैयारी करना चाहते हो तो हड़बड़ी करने से नहीं होगा, बोले सर इधर ये हो गया उधर ये हो गया फलाना ये पढ़ा दी ढमकान ये पढ़ा दी, नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है ना, उधर कितना हो रहा है वो आप जानते हो, है ना, उधर से एनसीईआरटी होता है, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे को परेशान मत करना कभी,
जैसे पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ाने दो तो इतना बढ़िया ग्रेड बना के दूंगा उसको आप याद रखूंगी। पीएनसी हो गया, बायोमेल हो गया, प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी, तो उसका बहुत ही लिमिटेड पार्ट जो है वो 11th में दिया हुआ है, ठीक है ना। बट खैर उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आप बहुत ही लिमिटेड पार्ट में लिख तो रहा हूं प्रोबेबिलिटी, बट ये प्रोबेबिलिटी कंप्लीट मत समझना। जैसे फंक्शन जो है, फंक्शन का पार्ट वन सिर्फ आपको पढ़ाया गया था ना, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट वन सिर्फ होगा, और पार्ट टू और पार्ट थ्री 12 के सिलेबस में, फंक्शन का भी पार्ट टू पार्ट थ्री 12 के सिलेबस में, ठीक है, क्लियर। ऐसे पार्ट थ्री तो 12 का बोर्ड एग्जाम में भी नहीं है, अगर पढ़ाना चाहूं तो अभी पढ़ा सकता हूँ, बट मैं 12 नहीं पढ़ाता उसको, ठीक है, क्योंकि डेवलप नहीं हुए आप इस मन, ठीक है ना। तो ये वाला होगी आपका कॉम्बिनेटोरिक्स वाला सेक्शन, और इस सेक्शन में एक और डेंजरस चैप्टर रखता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 जो बोला था ना, हर साल एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, मेंस में भी आता है क्वेश्चन, पहले नहीं आता था आजकल तो आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और अगर इसको आप करके चले गए ना तो एक क्वेश्चन एडवांस का तय है, बट जब पढ़ाते हैं एडवांस तो इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछता इसमें, पर जब पढ़ाया जाएगा आपको तो इतने गंदे गंदे टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा इसके ऊपर, प्योर ज्योमेट्री है, समझे ना, जब 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ के आए थे वही प्योर ज्योमेट्री है, ट्राइंगल ज्योमेट्री नॉट सर्कल ज्योमेट्री, पर सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा ना इसमें, इसीलिए थोड़ा सा बच्चे इसमें खुश नहीं रहते। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सेक्शन आप मान सकते हो, ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब घबराना मत, पढ़ाऊंगा इतने मजे से कि डिफिकल्ट ऐसा आपको फील नहीं होगा, बट थोड़ा सा मतलब मेहनत करना होगा आपको इसमें, हाँ ठीक है, तो घबराना मत आप, ठीक है ना। और जो चीज बच जाता है वो क्या क्या बचता है पता है क्या, जो चुटपुट वाला पार्ट बचता है ना, छोटे मोटे पार्ट्स, ठीक है, तो छोटे मोटे पार्ट्स जो बाकी रह जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 हाइट एंड डिस्टेंस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, छोटे मोटे पार्ट जो बाकी रह जाता है वो क्या है आप जानते हो, दैट इज आपका जो वो वाला सेक्शन है, सेट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिगो पूरा हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, हर साल आखिरी में पढ़ाता हूँ, बीच में समय मिला था तो कभी आपको पढ़ा दिया था मैंने, या फिर मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, खुद से पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर हमारे पास आता है जैसे पॉलिटिक हो गया, कम्प्लेक्स हो गया, सिक्वेंस हो गया, पीएनसी हो गया, बाइनोमियल हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये कोई चैप्टर वगैरह नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो ये भी कोऑर्डिनेट में घुसा दो, हाँ। और इधर आ जाएगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और मान लो लिमिट्स डेरिवेटिव, वैसे तो लिमिट्स डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं आखिरी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के दे देता हूँ क्लास 11th में, बट ऑफिशियली बहुत टाइम लगा करके है ना, 6 महीना 12th में कैलकुलस चलता है सिर्फ, 6 मंथ्स, ठीक है ना, 6 मंथ्स है ना, अभी भी कैलकुलस अक्टूबर में खत्म होगा 12th का, समझ में आ रहा है, अक्टूबर में खत्म होगा, शुरू हुआ था कब आप समझ लो, है ना, शुरू हुआ था कब आप समझ सकते हो, है ना, 6 महीना पहले शुरू हुआ था, अभी खत्म हो रहा है, इतना बड़ा और वास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। अगर मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़ाने जाए तो 3 महीने में ही हो जाएगा, बट अगर आईटीजी के सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करके बहुत वास्ट हो जाता है कैलकुलस, ठीक है, तो वो मेरे को डबल टाइम लगता है पढ़ाने के लिए, अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स पढ़ाने जाए तो 2.5-3 महीने मोर देन सफिशियंट है कैलकुलस के लिए, बट अगर आईटी पढ़ाने जाए तो ये 6 महीना तो लग ही जाता है मेरे को डिटेल में एक एक चीज कवर करने में, कोना कोना छानबीन करके, ठीक है। तो लिमिट्स में कभी भी क्लास 11th में पढ़ाता नहीं हूं, है ना, क्लास 11 में पढ़ाना पाप है, लिमिट जो लोग पढ़ाते वो पाप करते क्योंकि वो रटा के चले जाते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 12 में ही होना चाहिए, बिकॉज ये प्योरली 12 का ही टॉपिक है, ठीक है, कैलकुलस का शुरुआत ही होता है लिमिट्स में, ठीक है। तो चलो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव तो अपन 12 में ही पढ़ेंगे, है ना, दैट्स इट, और कोई सिलेबस नहीं है क्लास 11 का, ठीक है, देन अपना 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है, यही है आपका क्लास 11 का ओवरऑल सिलेबस, ठीक है। तो बस अभी सबसे बड़ा सेक्शन जो था ये तो कंप्लीट हो चुका है हमारा, सबसे बड़ा पार्ट था, ठीक है ना, काफी टाइम लगा आप देख रहे होंगे, है ना, बहुत दिन से इसके ऊपर मेहनत करके आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ अभी तो अक्टूबर शुरू होने वाला है बस, हाँ लगभग 5-6 मंथ्स आप मान सकते हो, कैलकुलस के बराबर ही है, वहां मान सकते हो, और सबसे क्लासिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना। देखो एडवांस कितना सवाल पूछेगा, कितना सवाल 36 में से कितना सवाल आया देख के बताता हूँ इस बार को, 1 सवाल 2 सवाल 3 और 2 5 5 और यहाँ पे आया 1 6 और मान लो और तो कोई टॉपिक नहीं है, 6 क्वेश्चन 36 में से, फिर भी बहुत बड़ा वेटेज है,
समझ में आ रहा है, कैलकुलस ही लेके चला के 14 सवाल तो क्या करोगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन बहुत बड़ा विटेज है, ठीक है। तो अलेवेंथ से सिलेबस में आप देखोगे कि कम आता है ना, यहाँ से 6 क्वेश्चन आया, यहाँ से अगर मैं देखू तो यहाँ से लगभग मान लो 5 क्वेश्चन आया इस बार, तो यहाँ से अगर मैं देखू तो प्रोबेबिलिटी पार्ट वन से तो आया था क्या, प्रोबेबिलिटी एक तो नहीं, बाइनोमियल से एक आया और रेशियो से एक और आया, सिंपल प्रोबेबिलिटी से एक और आया था, काउंट कर सकते हैं इसको, सिंपल प्रोबेबिलिटी पार्ट वन में काउंट कर सकते हैं, बट खैर मैं फिर भी इसको पार्ट टू में काउंट करता हूँ। पीएनसी 2 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, 4 सवाल यहाँ से, और ये तो एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं, लिमिट्स डेरिवेटिव को मैं कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि वो कैलकुलस का पार्ट है, और ये 3 चैप्टर तो एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं, ये ओनली फॉर योर बोर्ड्स एंड जेई मेंस, जेई मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानते हो। तो लगभग लगभग क्लास 11 से आप देख सकते हो 11 और 4 15 सवाल ही आया 36 में से, रिमेनिंग 21 क्वेश्चन वाज फ्रॉम योर क्लास 12 पार्ट। तो 12 पार्ट से ज्यादा आता है हमेशा सिलेबस मैथ्स में, ठीक है। आप मान लो 60-65% सिलेबस मतलब क्वेश्चन 12 से ही आते, बट अगर आपका 11 स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो 12 आपको कुछ नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है ना। 12 आपका क्या है, 11 स्ट्रॉन्ग होगा तभी 12 का टॉपिक आप इजीली खत्म कर लोगे और स्कोरिंग भी होता है, समझ में आ रहा है ना। बट अगर 11 आपका वीक रह गया, ठीक है, है ना, 11 का सिलेबस ज्यादा है मेरे ख्याल से, समझ में आ रहा है ना, 11 का सिलेबस ज्यादा है और उसमें मेहनत ज्यादा लगता है बट सवाल कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिल्ड करने के लिए है दिमाग, ठीक है ना। अगर आपने इस सारे टॉपिक में काम नहीं किया अच्छे से तो उधर नहीं कर पाओगे, आप जीत नहीं पाओगे उधर, 12 आपका बर्बाद हो जाएगा मान करके चलो, समझ में आ रहा है ना। बोर्ड लेवल में तो उतार दो में कुछ ही नहीं होता है, बोर्ड लेवल तो 11 जो नहीं पढ़ा है उसको भी मैं 100 में 100 दिला सकता हूँ, ऐसा सवाल होता है जैसे ललो पेपर आते हैं, ठीक है ना, वो भी ला सकता है 100 में 100 आग बंद करके, ठीक है, अगर वो 12 में सही से मेहनत कर ली एनसीईआरटी पेपर तो, ठीक है। बट आईटी नहीं होगा ना अगर 11 नहीं पढ़ते हो, 35% क्वेश्चन जरूर आता है बट रिमेनिंग 15% वेटेज 12 के ऊपर होता है, है ना। कोई क्वेश्चन आया मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट होता है, कोई क्वेश्चन आया जहाँ पे 11 का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कंसेप्ट लग रहा है, कैलकुलस का भी लग रहा है, तो क्वेश्चन कंसीडर तो होगा कैलकुलस का, इसी तरीके से परसेंटेज बढ़ जाता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल 50-50 ही होता है ये चीज, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा बेसिकली, है ना, तो ऐसे ही चलता है, फर्स्ट पार्ट ये रहता है मेरा हर साल, सेकंड पार्ट ये रहता है, थर्ड पार्ट ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक में, ये थर्ड पार्ट रहता है, ये फोर्थ पार्ट रहता है, ठीक। तो वही आप देख सकते हो, है ना। तो और मान लो इसमें इस टॉपिक में तो चला जाएगा आपका, मान लो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2.5 महीना तो लग ही जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान लो 1.5 महीना तो लग ही जाएगा इसमें, है ना, और ये मैक्स टू मैक्स 20 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ मान लेते, तो यहाँ पे कितना होगा आपको 5 महीना देख रहे होंगे, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी एंड तक तो जाता ही मेरा सिलेबस, ठीक है। उससे पहले मैं खत्म नहीं कर सकता, मैं प्राउडली बोलूंगा ये चीज, क्या सिलेबस खत्म करना ही अगर एम होता तब तो वो कहीं पे भी मिल जाएगा सिलेबस खत्म, पढ़ लो ना भाई यूट्यूब में हर जगह पे फर्जी चीज घुसा हुआ है और सिलेबस भी कंप्लीट है ना, थोड़ा 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 जो आसान पार्ट है पढ़ा पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट है, वैसे अगर पढ़ाना है तो कब का सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं फरवरी में क्या खत्म होगा, उससे पहले दिसंबर से पहले नवंबर तक ही खत्म कर देंगे पूरा पूरा सिलेबस, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। बहुत जगह पे आप देखोगे कि ऐसे भी होता है ना सिस्टम की मतलब देखोगे आप ऐसे होता है कि वीकली एक क्लास होता है एंट्रेंस के लिए, ये एंट्रेंस वगैरह क्या होता है ये तो पहले समझ नहीं आता है, और वही भी एक क्लास 2-3 घंटे का क्लास, अरे भाई अपन लोग 3-3 क्लास लेते, 3-3 क्लास हर हफ्ते लेते हैं, हर हफ्ते 10 घंटा पढ़ाते हैं तो भी सिलेबस फरवरी में जाके खत्म होता है, और वो पता नहीं यार हफ्ते में 2-3 घंटा पढ़ा करके कैसे सिलेबस खत्म हो जाता है, ऊपर से उनका दिसंबर तक हो जाता है, वो तो वही बात हो गया ना कि केरल इक्वेशन में लोकेशन का नाम भी नहीं सुनेगा बच्चा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नाम भी नहीं सुनेगा, कॉमन रूट का कुछ आसान वाला क्वेश्चन इधर उधर का कुछ आसान आसान टॉपिक करा दिया बस हो गया, ठीक है ना। ऐसे अगर उल्लू बनाना है आपको तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बट खुद ईमानदारी से काम कर रहे तो आपको भी ईमानदारी से मेरा होमवर्क को करना चाहिए और उतना ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, ये हमारा सेकंड पोर्शन है और इस पे अपन काम करना शुरू करेंगे, नेक्स्ट एक हफ्ता तो आपको शिफ्ट के लिए मिल जाएगा, लगभग मान लो 10-12 अक्टूबर के आसपास ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये चलेगा और उसके बाद ये चलेगा, ठीक है। अभी अगर ऑफलाइन वगैरह शुरू होता है, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो कोऑर्डिनेट ऑनवर्ड्स, ये दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन करना चाहते हो, तो मैं ये पार्ट जो है ये अक्टूबर में खत्म कर दूंगा और
रिमेनिंग 4 मंथ्स में हम ऑफलाइन में ये दोनों करेंगे, वो आपके ऊपर होगा, आप मेरे को बताइएगा क्या करना है। किसे नवंबर ऑफलाइन जब से भी शुरू होता है नोटिस आएगा 30 को तो नोटिस आ जाएगा नवंबर तो नवंबर पे अपन नवंबर से अगर शुरू होता है, मान लो अक्टूबर भी अगर इधर उधर चला गया, नवंबर से अगर शुरू भी होता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने में अपन ये करें और इस महीने को ये खत्म कर दें, ये भी ऑप्शन हो सकता है, या तो जैसे चलता है हमेशा वैसे ही चलाते जाओ सर, ठीक है, तो आपका चॉइस होना चाहिए, ठीक है। चलो तो खत्म हो गया, प्रॉपरली होमवर्क कर लीजिएगा एंड देन अपन डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, क्लियर है इक्वेशन ओवर। और अभी से मेरा सेकंड पार्ट जो भी आएगा, अगर ऑनलाइन चलता है, अगर ये पार्ट चलता है तब तो यूट्यूब में पब्लिक ही मिलेगा वीडियो, बट अगर कोऑर्डिनेट शुरू हो जाता है तब तो ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि और अपन नहीं डाल रहे यूट्यूब में, ठीक है। तो मेहनती वीडियो है बहुत, ठीक है ना भाई, आप लोग मेहनत करके यहाँ पढ़ते हो तो बाकी जनों को ऐसे ऐसे क्या करूँ मैं दे करके, कोई फायदा नहीं है। सारे वीडियो वैसे 12th क्लास 6 से लेकर के 12th तक सारे वीडियो प्राइवेट ही रहता है, आपका ही 11th का वीडियो मैं ऐसे ही पब्लिक करके डाल देता हूँ, बट खैर सर लोगों ने मना किया है, बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी ओलंपियड सीरीज 11th की जगह पे ओलंपियड और कैरिकुआई वाला सीरीज चालू हो जाएगा और 11th का सारे वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे, खैर कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ से आज का लेक्चर यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, अलविदा, और अगर कोई डाउट रहेगा तो साथों साथ फोन करके पूछ लेना और ये सवाल कर लेना, इसमें चॉकलेट ही याद रखना, ठीक है, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा।